उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के एक मदरसे के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे कक्षा 2 के छात्र की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहित पुलिस के हालात कारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक छात्र के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद बलरामपुर के थाना तुलसीपुर क्षेत्र में आज जामिया नाइमिया अरेबिक कॉलेज में एक 12 वर्ष के बच्चे की डेड बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि उनके पेट पर कोई धारदार हथियार से वार किया गया है। यहाँ पर पूरे के पूरे कैंपस में कैमरा लगा हुआ था और कल कैमरा 2:30 बजे के बाद से बंद मिला है पुलिस को और आज सुबह में फिर से कैमरा वापस 8 बजे प्रारंभ हुआ है। हम लोगों को संदेह है कि कुछ ना कुछ यहाँ फिसी हुआ है जिसमें कैमरा को शायद जानबूझ के ऑफ किया गया है और हम लोग जो भी जिन पे भी संदेह है सबसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करके जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करेंगे। जो मृतक बच्चा है उसका नाम है मोहम्मद आयान पुत्र महफूज आलम, यह भगवानपुर थाना क्षेत्र जरवा का रहने वाला है और इनकी उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है।